ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जनवरी मास, वरदानी मास, अव्यक्ति मास, समर्थी मास कहेंगे, जो कि अव्यक्त बाबा का दिवस मनाने का मास। मास आते ही साकार की यादें आ जाती हैं, मानस पटल पे आकर के सारी स्मृतियाँ याद आती हैं, साकार के संग बिताए हुए दिन याद आ जाते हैं। वो दिन भी कितने प्यारे थे जब साकार बाबा हमारे साथ थे या हम बाबा के साथ थे, तो मुझे अच्छे से याद आता है। और बाबा क्षमा का सागर है, बाबा कैसे गलती को भी सुधार के अच्छा बनाने वाला। एक बार मधुबन में गौशाला में गैया पन रही थी, ग्वाले ने कहा हम 100 रुपया लेंगे, क्योंकि एक गाय और आ गई। विश्वकिशोर दादा ने समझाया तो कहा कि कैसे अब इतना देंगे, कहा नहीं, फिर वो छोड़ के चला गया काम। बाबा ने कहा शिव बालक भाई को, शिव कुमार जो पांडव भवन दिल्ली में है, वो 12 साल की आयु थी, बच्चों तुमने तो देख लिया ना गायों की पालना करते। जी बाबा। तो कहा तुम इनको दो। फिर उसने जो भी गायों को चारा देना चाहिए दिया। उसके बाद बाबा बुलाए, बच्चों तुम दूध निकाल लोगे, अभी उसके छोटे हाथ थे, छोटी आयु थी, तो 1 बाल्टी दूध निकाला, बाकी 4 बाल्टी नहीं निकाल पाया और दूध। फिर लाके आया तो बाबा ने उसको इतना उमंग भर दिया, मम्मा मम्मा देखो 1 बाल्टी दूध बच्चा लाया है, 1 बाल्टी लाया है। दूसरे दिन जब वो दूध निकालने गया तो उसी उमंग से 2 बाल्टी निकाला, और जब दोनों बाल्टी लेके चला, गौशाला पीछे की तरफ था, किचन के पीछे, रास्ता बहुत ऐसा ऊंचा नीची पथरीला था, उसको ठोकर लगी और वो गिर गया दोनों बाल्टी दूध लेके, एक बूंद भी दूध नहीं बचा, बाबा के लिए भी नहीं बचा दूध। तो बहुत उदास मन से बाबा के पास आया। बाबा ने कहा अरे बच्चे कौन सी बड़ी बात है, तुमसे तो 2 बाल्टी दूध गिरा, यहाँ तो बड़े बड़े जहाज गिर जाते हैं, तुम क्यों चिंता करता है। मम्मा मम्मा देखो दूध की नदियाँ बह रही हैं संगम युग में। मना इतना बाबा ने गलती की, नुकसान किया नहीं, और उमंग भर दिया। फिर उसे एक दिन कांच का गिलास टूट गया, बाबा ने बुलाया कहा बच्चों इधर आओ कैसे तोड़ा। बोला बाबा मैं अब भी बताता हूँ कैसे तोड़ा। दूसरा उठा के लाया, बाबा के आगे गिरा दिया और वो दूसरा गिलास टूट गया। कहा बाबा ऐसे वो गिर के टूटा था। तो बाबा ने देखो कितना कमाल है बाबा का, कि रहम का सागर है और हर बात को प्रैक्टिकल में लेने वाला, पॉजिटिव लेने वाला। बाबा कहता देखो देखो ये बच्चा जो है ना मामा, ये प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला बच्चा है, ये थ्योरी वाला नहीं है। तो इसी तरह से बाबा कैसे बच्चों को माफ़ करते, कैसे हिम्मत देते, सब कुछ करते।